यूं तो मायावती जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है, वो एक महिला है और बड़े पैमाने पर उन्होंने महिला वर्ग के लिए भी आज कई सारी बातें की हैं। हम गोरखपुर की रैली की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे बीच में महिलाएं खड़ी हैं जो बहन जी को सुनने के लिए आई थी। चलिए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। क्या क्या नाम है आपका? रीता। कहाँ से आई है? किशनपुर से। किशनपुर से। हाँ। बहन जी को देखने आई थी या सुनने आई थी? देखा हुआ ही नहीं, सुना हुआ ही नहीं। दोनों काम करने के? हाँ, देख लेना है रहा नहीं बहन जी के। अच्छा, देखा तो है पहले, अभी सुनने भी आई थी। अच्छा, क्या 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 सुना आज बहन जी ने? क्या कुछ औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष कहा? बहुत कुछ कहा ली, लेकिन बहुत दूरी रहनी है हम, ना करीब से सुन नहीं पाऊनी। तो अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया क्या, क्या बात कही बहन जी? अरे कुछ कुछ समझ में आया, कोई एक बात बता दीजिए, अगर कुछ समझ में आया तो हमारे दर्शक देख लेंगे। महिला खर्तन बहुत कुछ करी है, कोई खर्तन आई लाली है हमारे। अच्छा। देखा नहीं सही, सुननी सही। क्या लगता है अब यहाँ से जाएंगी तो ये जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील होगी? हाँ। बनेगा वोट इससे? हाँ। क्योंकि भीड़ तो बहुत आई है आज। अच्छा, आपका क्या नाम है ये बताइए? सरोजना है। सरोज जी, आप कहाँ से आई? किशनपुर से। किशनपुर से आई है। तो बहन जी को सुन लिया आज आपने, कोई एक आध बात ऐसी है जो याद है आपको? हाँ, बाहर वाली नहीं है कोई बात। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। प्रतिभा जी, कहाँ से आई हैं आप? महाराजगंज जिले से। तो बहन जी ने आज महिलाओं के विषय में भी कई सारी बातें कही। जी सर। बहन जी की बातें अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या क्या बेहतर लगा आपको? क्या उन्होंने कुछ खास ऐसी बातें कही जो आपको प्रभावित कर गयी? यही खास बातें कही है कि मतलब जितना गुंडागर्दी हो रहा है उसको समाप्त करेगी, और जितना गरीब है उसके लिए कुछ मदद करेगी। हमारे लिए बहन हमारी जान है। बहन जी आपकी जान है? हम लोग जान है। बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सम्मान है बहन जी। बहुत सम्मान है, बहुत है। हम लोग तो ये दुआ करते हैं बहन जी को सम्मान मिले बहुत। अच्छा, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान के बहुत काम किए हैं। हाँ, बहुत काम किए हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी वाले जो है वो ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं किए हैं, गैस महंगा कर दिए हैं, फिर भी उसके करू का तेल है वो भी महंगा कर दिए हैं, सब कुछ तो महंगाइयां किए हैं, क्या किए, कुछ भी नहीं किए हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल छूट गया है, जो पढ़ रहे थे वो भी भुला गए। ये कहते हैं कि राशन दिया है हमने महिलाओं को। राशन क्या दिया है? राशन क्या दिया है? एक ओर से दे हैं तो एक ओर से ले हैं, एक हाथ से देते हैं तो एक हाथ से लेते हैं। अच्छा, तेल वेल का भी कुछ जिक्र करेंगे? वही तो तेल कह रहे हैं, जो 80 रुपया लीटर है तो सीधे 250 लीटर हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, करू का तेल महंगा हो गया है, राशन 1 रुपया मिलता है तो 4-5 रुपया मिलता है, हम लोग बाजार से खरीदते हैं वो भी महंगा है, सब तो ये महंगाई चलता है। आप एक महिला है इसलिए राशन की बात आप कर रही हैं, और क्योंकि किचन संभालती हैं, घर का जो बावर्ची खाना है जिसको हम लोग कहते हैं उसको संभालती है, पूरे घर का बजट आप लोगों के हाथ में होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजट बिगड़ा है घर का? बिगड़ा, बहुत बिगड़ा, हम लोग गरीब हैं तो अच्छे से खा नहीं पाते हैं। वो तो कहते हैं कि गरीबों को खूब राशन वाशन दिए? नहीं दिए हैं, एक और मदद की है तो एक और ले लिए हैं, एक और मदद की है तो एक और। ये महिलाओं का दर्द है, और ये आपका, ये दलित वर्ग की महिला है, शायद ऐसी शेड्यूल कास्ट के लोग है ना आप जी, दलित वर्ग की महिला है, उनका ये दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राशन दिया है तो दूसरे हाथ से लिया है। अच्छा, चलिए किसी और महिला से और प्रयास करते हैं। काम करते हैं तो ये भी सोचते हैं शाम को खाना बन गया, सुबह के लिए हम लोग सोचते हैं सुबह क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, ये सोचते हैं। बच्चे बच्चे पढ़ते हैं घर में, परिवार में आपके? पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, फिर भी स्कूल बंद है तो कहाँ छूट गया, अब चालू हुआ तो पढ़ रहे हैं। आपके घर में क्या काम होता है आपके? हम लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करके अपने घर का लालन पालन करते हैं, मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। क्या लगता है बहन जी की सरकार आएगी? आएगी। अच्छा, आए या ना आए, वोट तो उन्हीं को करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग तो उन्हीं को करेंगे, हर हाल में उन्हीं को करेंगे। हाल में आपके यहाँ से कौन कैंडिडेट खड़े हैं, कौन प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी का नाम नहीं पता, बस ये पता है कि जो हाथी वाला बटन है उसी को दबाना, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी हो। बहन जीता ये श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये सम्मान है कि हमें बहन जी को जिताना है, इसलिए कोई भी कैंडिडेट हो हमें हाथी के निशान पर बटन लगाना है। तो बहन जी आई थी और आगे चली गई, अपने लोगों को संबोधित कर गई, कुछ महिलाओं का जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा था, उनकी कुछ आपको सुनवा। महंगाई हो गया है कि हम लोग रोने लगे हैं कि बच्चों खाने के लिए तरस गए हैं, कि शाम को बनता है तो सुबह के सोचते हैं कि सुबह बन पाएगा कि नहीं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो तो दिहाड़ी करते हैं तो लोग दुख और जुड़ता है खाने के लिए, ये तो अभी भी नसीब नहीं होता है। ये दर्द है लोगों का,
लोगों का दर्द है जो लफ्जों में बयान कर रहे हैं। आज बहन जी की सभा में ये मौजूद थे और अपने दिल की बात हमसे कर रहे हैं। तो महिलाओं का दर्द आपको दिखा रहे थे उस सभा से जो गोरखपुर में हो रही थी बहन जी की, यानी बहन कुमारी मायावती जी की सभा। बसपा की सभा में बड़े पैमाने पर भीड़ आई थी और महिलाओं का दर्द आप सुन रहे थे। फैक्टम के दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट करें। धन्यवाद।